कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ सर तो सैक्रिफाइस करें, आप लोग भी सैक्रिफाइस करें, तो सर के साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को भी हमारे तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है सर। वी सैल्यूट टू यू एंड टू योर फैमिली। We love Kolkata police and we are proud of you and we all salute you for the grand applause. Give them a big round of applause for to everyone. Thank you madam, thank you for your sacrifice. Thank you. Enjoy कर सके तो सर के sacrifice के साथ साथ आपका भी बहुत सारा sacrifice है कि जो time आपके साथ सर को होना चाहिए सर कंट्री को दे रहे, हमारे कोलकाता को दे रहे ताकि कोलकाता सेफ रहे, तो उसके लिए हम लोग सर को सैक्रिफाइस कर सर को सैल्यूट कर रहे हैं, तो आपको भी सैल्यूट करने के लिए हमने कॉल किया। तो वी सैल्यूट फ्रॉम आवर होल टीम आपकी सैक्रिफाइस, आपके कमिटमेंट टुवर्ड द कंट्री, सर के जो डेडिकेशन के लिए आपको भी हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं मैम। आपके सैक्रिफाइस के लिए, आपके सैक्रिफाइस के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से सब लोग एक साथ सारे। इस दुर्गा पूजा 2024 के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जहां हावड़ा, साइंस सिटी क्रॉसिंग, राजा बाजार क्रॉसिंग, उल्टा डांगा क्रॉसिंग और पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर कोलकाता पुलिस के जांबाजों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारियों को मोमेंटो देकर उनके साहस और सेवा के लिए सराहा गया। केक काटने, मिठाइयां बांटने और इत्र वितरण का आयोजन भी हुआ। इस समारोह में हर चेहरे पर खुशी और गर्व की भावना थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष मुस्तफीज हाशमी ने अपने संबोधन में कहा, हमें गर्व है कि हमारे पास कोलकाता पुलिस है जो 24 घंटे और सातों दिन हमारे नागरिकों की सेवा में जुटी है। उन्होंने कहा कि इस दुर्गा पूजा में पुलिस के जवानों ने मुस्कान के साथ इस पहल का स्वागत किया, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। मुस्तफीज हाशमी ने विशेष रूप से कोलकाता पुलिस के परिवारों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए कहा, आपके बलिदान के लिए हम सभी आभारी हैं। इस अवसर पर कोलकाता पुलिस के अधिकारी श्री सौविक ने कहा, हम इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद और सभी समाचार चैनलों के धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हमें इस सम्मान का भागीदार बनाया। इस आयोजन के दौरान एक विशेष नारा गूंजता रहा, वी लव कोलकाता पुलिस, वी आर प्राउड ऑफ कोलकाता पुलिस। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि हर दिल की आवाज थी। जब तक है ये धरती, जब तक है ये आसमान, कोलकाता पुलिस की सेवा हमारा है अभिमान। हर चुनौती में संग आपके, हम रहें एक साथ, आपकी मेहनत से है हर दिल में एक नई बात। यह विशेष आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सेक्युलर इंडिया न्यूज, डेली प्राइम न्यूज, आवाज आप तक, द मोबाइल रिपोर्टर, लाइव इंडिया न्यूज और कई अन्य समाचार चैनल शामिल थे। कोलकाता पुलिस को हमारा दिल से सलाम। আজকে এই দুর্গাপূজার শুভ লগ্নে আজকে যে আপনারা আমাদেরকে যে রিকগনিশনটা দিলেন, যেভাবে আমাদের এই যে হার্ড ওয়ার্ককে আপনারা মান্যতা দিচ্ছেন, সত্যি আমরা আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত সমাজের যারা মানুষ আছে সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এবং আমরা এইটুকু জানি, যেদিন থেকে ইউনিফর্মটা পরেছি আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে, কারণ কিছু লোক স্যাক্রিফাইস করলে তবেই বাকিরা আনন্দ করতে পারবে। আজকে আমরা বা আমাদের ফ্যামিলিরা এটা জেনে গেছি, আপনারা বা অন্যান্য সকলের পরিবারের লোকেরা যাতে সুস্থ সুন্দরভাবে পুজো এনজয় করতে পারে তার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এবং প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে আগামী দিনেও এইভাবেই আমরা সমস্তভাবে মানুষের পাশে থাকবো। সবকে নিয়ে আমরা বহুত বহুত শুভকামনায়, যে পূজা সবকা আচ্ছা যায় আর এই পূজা মে কলকাতা পুলিশ आप लोगों के साथ हर टाइम रहेगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर हार्ड वर्क, आवर लेबर, एंड वी आर रियली वी अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ अप्रोच व्हिच यू पीपल कम फॉरवर्ड एंड ट्रीट अस लाइक दिस। थैंक यू। इतना होगा कि इनका रोल हमारे सोसाइटी में कितना बड़ा है, आप इस चीज को समझिए। आज पूरा बंगाल, पूरा कोलकाता दुर्गा पूजा का जश्न मनाने में
बिजी है। हर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हैं, पर वो लोग भी छुट्टी लेकर अपने फैमिली के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। पर आप एक चीज देखिए कि कोलकाता पुलिस जो हमारे सेफ्टी के लिए जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, एक शहर में भी रह के ऐसा होता होगा कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ दुर्गा पूजा फेस्टिवल को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे जस्ट बिकॉज, ताकि वो टफ ड्यूटी कर रहे हैं तो कोलकाता पूरे पीसफुल तरीके से और पूरे जॉयफुल तरीके से पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमने एक छोटा सा कोशिश किया कि उनके हार्ड वर्क को, उनके सैक्रिफाइसेस को एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे के उनको ऑनर करें, उनको सैल्यूट करें, उनके जज्बे को, उनके हार्ड वर्क को, उनकी ड्यूटी को। और वी सैल्यूट टू ऑल देयर फैमिलीज एज वेल कि वो अपना कितना चीज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि सर लोग या कोलकाता पुलिस प्राउडली अपने ड्यूटी को पूरा कर सके और कोलकाता को और पूरे बंगाल को सेफ प्लेस बना सके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आपने नोटिस किया या नहीं किया, यू ऑल गाइस फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, तो आपको पता होगा कोलकाता हैड बीन सेलेक्टेड 3 कंसेक्यूटिव ईयर एज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस को जाता है, वेस्ट बंगाल पुलिस को जाता है, जिन्होंने यहाँ पे लॉ ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। देखिए, कोलकाता और बंगाल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही है कि यहाँ पे रेड रोड की ईद की नमाज देखिए, दुर्गा पूजा का ग्रैंड महोत्सव आप देखिए, यहाँ पे क्रिसमस का फेस्टिवल देखिए पार्क स्ट्रीट का, यहाँ पे हर रिलीजियस को इतनी फ्रीडम, उतनी आजादी मिलती है कि वो अपने तरीके से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। और इन सबको पॉसिबल करने में कोलकाता पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब जब इतनी सारी पब्लिक एक साथ रोड पर उतरती है या चीजों को बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, तो उसको पीसफुल तरीके से वेल मैनेज करने में इनका बहुत 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 बड़ा रोल है। अभी आप देख रहे होंगे कि रात के 10 बज रहे हैं, सारे लोग कोलकाता के लोग घूमने में बिजी हैं, पर देखिए कि उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, कि वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए। तो वी गिव देम अ ग्रैंड सैल्यूट टू कोलकाता पुलिस फॉर गिविंग देयर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस जस्ट टू मेक कोलकाता अ पीसफुल सिटी, अ बेटर सिटी, अ वंडरफुल सिटी एंड अ जॉयफुल सिटी, सिटी ऑफ जॉय। जस्ट बिकॉज सिटी ऑफ जॉय कोलकाता है, बिकॉज हमारे इस तरह के ग्रेट वॉरियर कोलकाता पुलिस है जो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बनाने में बहुत बड़ा रोल करते हैं। और एक और बात मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके का रेस्पेक्ट हमारे दिल में, बच्चों के दिल में, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जिस तरीके का रेस्पेक्ट हमारे आर्मी मैन के लिए होता है, जिस तरह वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो सेम रेस्पेक्ट, सेम जज्बा हर स्टेट की पुलिस भी डिजर्व करती है और स्पेशली कोलकाता पुलिस डिजर्व करती है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो जितनी ज्यादा हमें खतरा देश के बाहर के दुश्मन से होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो सोसाइटी को इंटरनली डैमेज करते हैं, और उससे प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वी रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन ऑफ कोलकाता एज वेल कि प्लीज रेस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क, प्लीज सैल्यूट देयर सैक्रिफाइसेस, एंड जब भी उनको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, छोटा सा ही मौका मिले, उनके हार्ड वर्क और उनके सैक्रिफाइसेस को आप अप्रिशिएट करें, ट्रस्ट देम, उनको भी बहुत अच्छा फील मिलेगा, फील होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। थैंक यू।